हाय गाइस नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टील स्ट्रक्चर में स्टील बीम के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले मैं प्रीवियस दो लेक्चर बना चुका हुआ हूं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम है। तो आज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन करूँगा स्टील स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि डिजाइन अ सिंपल सपोर्टेड बीम रिस्टेंड लेटरली फॉर अ स्पान इफेक्टिव ऑफ 6 मीटर। यहाँ पर आपको ऐसे स्टील बीम का डिजाइन करना है जिसका लेंथ 6 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो जब भी आप डिजाइन करेंगे तो वहां पर हमेशा लेंथ को ध्यान में रखेंगे। लेंथ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लेंथ के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितना दिया गया है, 6 मीटर। तो चलिए जो वैल्यू दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ हो गया आपका 6 मीटर। 6 मीटर टू कैरी अ सुपर इम्पोज लोड 60 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर जो आपको सुपर इम्पोज लोड यानी लाइव लोड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी इसे W1 कह सकते हैं, 60 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमेशा आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन के डिजाइन में हमेशा दो वैल्यू दी जाती है, एक तो बीम का इफेक्टिव लेंथ दिया जाता है और दूसरा उस पर कितना लोड लगा हुआ है वो दिया जाता है, ठीक है। बाकी चीज हम एज्यूम अपने से कर लेते हैं। यहां पर ऐसे बीम का डिजाइन करना है और चेक भी करना है कि चेक द डिजाइन इन बेंडिंग शियर एंड डिफ्लेक्शन। आपको डिजाइन करने के बाद ये भी चेक करना है कि क्या यह बीम आपका बेंडिंग शियर और डिफ्लेक्शन में सेफ है या नहीं। उसके लिए एक लिमिटेशन वैल्यू दे दिया गया है, परमिसिबल वैल्यू दे दिया गया है कि यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है 165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेस 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड डिफ्लेक्शन 18.46 mm इतना होना चाहिए। ये उसका लिमिटेशन दिया गया है, यानी परमिसिबल दिया गया है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है आपका, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, जो एक्चुअल में आप बीम का डिजाइन करते हैं, अगर उसका बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन इस तीनों वैल्यू से ज्यादा हुआ तो आपका बीम अनसेफ है, फेल हो जाएगा फिर वो। तो हमें ऐसा बीम का डिजाइन करना है जिनके बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन इस तीनों से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन का मतलब क्या है, डिजाइन का मतलब बस इतना है कि यहाँ पर हमें एक स्टील के सेक्शन को सेलेक्ट करना है जो कि बीम सेक्शन होगा। बीम सेक्शन, आई सेक्शन जनरली हम यहाँ पर लेंगे, तो ऐसा हम बीम सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे जो कि 60 किलो न्यूटन पर मीटर के लोड को बियर कर सके। यानी हमें यहाँ पर केवल साइज बताना है कि किस साइज का हमें बीम यूज करना होगा, किस स्पेसिफिकेशन का यूज करना होगा, बस इतना हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले नंबर आप निकालेंगे यहां पर सेल्फ वेट ऑफ बीम। सेल्फ वेट ऑफ बीम सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंडीशन दिया गया है कि अगर स्पैन या लेंथ आपका 3 मीटर तक दिया गया हो, 3 मीटर तक दिया गया हो, तो जो आपका सेल्फ वेट ऑफ बीम होगा वो आप लेके चलेंगे 1.5% ऑफ लाइव लोड, यानी 1.5% ऑफ W1। W1 क्या है, सुपर इम्पोज्ड लोड। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, अगर आपका स्पैन 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक दिया गया है तब आप लेंगे 3% ऑफ W1, सॉरी 2%, ठीक है। तब आप कितना ले लेंगे, 2% ले लेंगे। अगर आपका 6 मीटर के एबव दिया गया है,
एबव 6 मीटर तब आप कितना लेंगे 3.5% ऑफ W1। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखेंगे, इन तीनों पॉइंट के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो लेंथ दिया गया 6 मीटर तक दिया गया है, यानी 3 मीटर से लेके 6 मीटर तक दिया गया है, तो कितना लेके चलेंगे 2% ऑफ लाइव लोड या 2% ऑफ सुपर इम्पोज्ड लोड। तो यहां पर हम सेल्फ वेट ऑफ बीम कैसे निकालेंगे, W2 का वैल्यू 2% ऑफ W1, 2% यानी 2/100 इंटू W1 का वैल्यू दिया गया है 60 kN/m। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10, ये बार ये आपका आ जाएगा, फिर से सॉल्व करते हैं, 2/100 इंटू 60 किया आपने, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, 1.2 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, 1.2 kN/m। बात समझ में आएगी नहीं आपको, W1 आ गया आपका। अब आप क्या काम करेंगे, टोटल वेट निकालेंगे आप, टोटल वेट सेकंड स्टेप आपका होगा, टोटल वेट W कैसे निकालते हैं, W1 + W2। तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे हम, सुपर इम्पोज्ड लोड प्लस लाइव लोड, दोनों लोड को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपका आ जाएगा ये, यहाँ पर क्वेश्चन में W का वैल्यू कम दिया गया है, W का वैल्यू होना चाहिए 600 kN/m, ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, 60 लगा के चेक करते हैं इसे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, W1 आपका दिया गया है 60 + W2 हो गया आपका 1.2, तो ये हो जाएगा 61.2 kN/m। इसे अब आप चेंज कर लेंगे किस में, न्यूटन पर मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 61.2 × 10³ N/mm। ये आपका टोटल लोड हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया आपका ये। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, थर्ड स्टेप होगा बेंडिंग मोमेंट, एम का वैल्यू। ठीक है, एम का फॉर्मूला क्या होता है, WL² / 8, W का वैल्यू है 61.2 × 10³ इंटू L का वैल्यू कितना है 6 मीटर, 6² / 8, ये न्यूटन मीटर में आएगा क्योंकि मैंने W को न्यूटन में लिया है और लेंथ को मीटर में लिया हुआ है। तो आपका ये मोमेंट आ गया 275,400 N/m। अब लास्ट में इसे आप चेंज कर लेंगे न्यूटन मिलीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 275.4 × 10³, 2 जीरो यहाँ से ले लीजिए और 3 जीरो मीटर से ले लीजिए, तो 5 जीरो हो जाएगा ये न्यूटन मिलीमीटर। ये आपका एम का वैल्यू हो गया। ठीक है, अगला स्टेप आपका होगा नंबर 4 स्टेप, जेड एक्स एक्स निकालेंगे आप, यानी सेक्शन मॉडुलस आप निकालेंगे। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस, हम मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस होता है
बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या मैंने आपको बताया हुआ है, एम अपान जेड एक्स एक्स, ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम अपान बी, ठीक है, या एफ बी से मैंने डिनोट किया है वहां पर, एफ बी एफ बी। तो देखिए अब तक हम क्या करते थे, बेंडिंग स्ट्रेस निकालते थे क्वेश्चन में, लेकिन ये डिजाइन का क्वेश्चन है तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस हम नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ पर हम निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम अपान एफ बी, एम का वैल्यू आपको पता चल गया 275.4 इंटू 10 की पावर 5 अपान में एफ बी, एफ बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस दिया गया है 165। तो यहां से आपको जेड एक्स एक्स का वैल्यू निकल गया। कितना हो जाएगा आपका, ये डिवाइड बाय 165 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आपका हो गया 1669.0 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर की पावर 3, ये वैल्यू आपका हो गया। एक बार फिर से समझते हम लोग, वैसे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन यहां तक ही हमें सॉल्व करना था, कंप्लीट हो गया, हमें जेड एक्स एक्स का ही वैल्यू निकालना था। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम। कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लेंथ देखेंगे, अगर आपका लेंथ 3 मीटर से कम है तो 1.5% लेंगे लाइव लोड का, अगर 3 टू 6 मीटर के बीच है तो 2% लेंगे, और 6 मीटर के एवव है तो 3.5% लेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, सेल्फ वेट, एक एज्यूम कर लिया गया कि इतना लगभग वेट हो सकता है, अभी एग्जैक्ट नहीं है कि सेल्फ वेट आपका इतना ही रहेगा, बस एक अनुमान लगाया गया है लगभग इतना अप्रॉक्स लगभग होगा, एज्यूम किया गया है। जब हमें सेल्फ वेट ऑफ बीम मिल गया तो हम टोटल वेट निकाल लेंगे W1 प्लस W2 करके, यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद हम जब लोड निकाल लिए तो बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL² / 8, इससे निकाल लिया। उसके बाद हम जेड एक्स एक्स निकालते हैं, जेड एक्स एक्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं और बीम के साइज को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर सेलेक्ट करने के लिए हम सेक्शन मॉडुलस को देख करके ही सेलेक्ट करते हैं, बात समझ में आई, यानी कि हमें जब तक जेड एक्स एक्स नहीं पता होगा तब तक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टील टेबल ओपन करेंगे और स्टील टेबल में जेड एक्स एक्स के प्रॉक्स जो भी साइज ऑफ बीम होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, बात समझ में आई आपको। यहां पर जेड एक्स एक्स निकाल लिया और डेप्थ ऑफ बीम भी आप कुछ एज्यूम कर लेंगे, कैसे निकालेंगे, डेप्थ ऑफ बीम के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, IS कोड ये कहता है कि 55 मिलीमीटर पर लेंथ डेप्थ होना चाहिए बीम का, यानी अगर 1 मीटर लंबाई है बीम का तो 55 mm डेप्थ होना चाहिए बीम का, 2 मीटर है तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी हम कह सकते हैं कि पर मीटर लेंथ के बीम पर 55 mm डेप्थ का बीम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 55 × L, तो 55 × L का वैल्यू कितना है, 6 मीटर। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 55 × 6 करेंगे तो आ जाएगा 330 मिलीमीटर। ध्यान देना आप इसको मीटर में रखेंगे वैल्यू, लेकिन लिखेंगे मिलीमीटर में, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पर मीटर लेंथ पे 55 mm का डेप्थ होता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर लेंथ क्या है, मीटर में है, और डेप्थ किस में है, मिलीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से हम डेप्थ 330 mm से कम नहीं होना चाहिए और जेड एक्स एक्स 1669 × 10³ मिलीमीटर की पावर 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, इसके जस्ट ऊपर जो भी सेक्शन मॉडुलस आपका होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टील टेबल ओपन करते हैं हम लोग,
तो कितना हो जाएगा आपका 1669 आना चाहिए जेड एक्स एक्स आपका। सोलह सौ से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 1900 दिया गया है, 1800 दिया गया है, 1800 तक ISMB 500 तक 1800 तक है आपका। अट्ठारह सौ से कम 1600-1700 के बीच में देखते हैं। सत्रह सौ बयालीस है आपका ISHB 450। सेलेक्टेड ऑफ बीम ISHB 450, ठीक है। ISHB 450 मैंने ले लिया। इसके लिए जो ZXX का वैल्यू है, एक्चुअल में जो ZXX का वैल्यू है वो कितना है आपका 1742.7 इंटू 10³ मिलीमीटर की पावर 3। यानी कि अब आपको देखिए यहाँ पर आपने बीम को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके आगे मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड जो आपको मैंने सॉल्व कराया हुआ है वो यही क्वेश्चन है। अब आप ये भूल जाएंगे कि हमारा ZXX ये है, अब ये ZXX नहीं है क्योंकि हमने ZXX कितना ले लिया 1742, क्योंकि इस ZXX के लिए कोई स्टील टेबल कोई बीम का साइज दिया ही नहीं गया था। अब ZXX हमारा एक्चुअल ये हो गया और बीम का साइज ISHB 450 हो गया। अब यहाँ पर जो आपने मूवमेंट निकाला, टोटल लोड निकाला, ये केवल डिज़ाइन करने के लिए था। अब हमारा एक नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब हम पुराना कोई भी वैल्यू नहीं लेके चलेंगे। पुराना वैल्यू आप क्या लेके चलेंगे, केवल लेंथ लेके चल सकते हैं और लाइव लोड लेके चल सकते हैं। बाकी ये जितना भी मैंने सॉल्व किया इसका आप कोई भी कहीं भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितना भी मैंने अभी सॉल्व किया ये केवल आपको डिजाइन करने के लिए था और आपने ISHB 450 में का जो है आपने बीम डिजाइन कर लिया। अब हम एक यहाँ से नया क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है कि अब हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस और चेक करेंगे कि वो बेंडिंग स्ट्रेस इससे कम है या नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस, फिर चेक करेंगे कि 100 से कम है या नहीं। फिर निकालेंगे डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन 18.46 mm से कम है या नहीं। बात समझ आई आपको? तो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके आगे मैंने आपको बता दिया है तो शायद आपको सबको आता होगा। अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो वो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, फिर भी मैं फिर से सॉल्व करूंगा इस चीज को। चलिए सबसे पहले हम चेक इन बेंडिंग के लिए क्या काम करेंगे। हम सबसे पहले हम यहां पर स्टील टेबल से क्या क्या वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ सकता है। एक तो ZXX की आवश्यकता पड़ गया और दूसरा फ्रॉम स्टील टेबल से जो भी वैल्यू आवश्यकता पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ स्पेस दे देते हैं, लिख लेंगे। तो चेक इन बेंडिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल लोड चाहिए। टोटल लोड फिर निकालेंगे, फिर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला वहाँ पर हम लगा देंगे। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा आपका, टोटल लोड W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 आपको दिया गया है कितना, 60 किलो न्यूटन पर मीटर, 60 प्लस W2 क्या है, सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो हम फ्रॉम स्टील टेबल से निकाल लेंगे सेल्फ वेट, इसका सेल्फ वेट W2। स्टील टेबल में आप देखिए कितना दिया गया है इसका वैल्यू, 87.2 वेट पर मीटर, केजी में दिया गया है ये 87.2 किलोग्राम पर मीटर, ये वैल्यू दिया गया है आपको, ठीक है। स्टील टेबल से क्या दिया गया है, सेल्फ वेट। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए चेक इन बेंडिंग फ्रॉम स्टील टेबल, सेल्फ वेट ऑफ बीम W2
87.2 किलोग्राम पर मीटर, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब इसको जो है आप न्यूटन पर एमएम में चेंज कर लीजिए, या न्यूटन पर मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 872 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि होता क्या है, एक किलोग्राम में 10 न्यूटन होता है, तो आप 10 का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 872 हो जाएगा। अब निकालेंगे आप टोटल लोड, टोटल लोड W इक्वल टू 60 × 10³, इसको भी मैंने न्यूटन पर मीटर में चेंज कर लिया, प्लस 872, ये टोटल आ जाएगा न्यूटन पर मीटर में। अब आएगा आपका तो क्या हो जाएगा, 60 × 10³ प्लस 872 हो जाएगा 60872। ठीक है, अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, यहाँ से निकाल लेंगे मोमेंट M इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। W का वैल्यू कितना है आपका, W का वैल्यू है आपका 60872 और L का वैल्यू कितना है, 6 मीटर है, 6 का स्क्वायर बाई 8। तो ये आ गया आपका 273924 न्यूटन मीटर में आता है ये वैल्यू। अब इसे हम न्यूटन मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 273.924 × 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। बेंडिंग मोमेंट आपको मालूम चल गया। अब हम निकाल सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस अब हम निकालेंगे। एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस FB क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, M अपान ZXX। ठीक है, यहाँ पर मोमेंट कितना है आपका, 273.92 × 10⁶ डिवाइड बाय ZXX कितना है, 1669। सॉरी ZXX आप यही लेंगे जो स्टील टेबल से आपने लिया हुआ है, जो एक्चुअल साइज आप यूज कर रहे हैं वही लेके चलेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 157 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो 157 क्या है आपका, 165 से कम है, तो 165 से कम है तो आपका क्या है यहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेस बिल्कुल, बेंडिंग में आपका जो है बीम सेफ है, ये वैल्यू आपका हमेशा इससे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 157 इज लेस देन 165 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सो बीम इज सेफ इन बेंडिंग। ठीक है, तो बीम हमारा यहाँ पर बेंडिंग में क्या है, सेफ है। अब हम चेक इन बेंडिंग हो गया, अब हम निकालेंगे चेक इन शियर, चेक इन शियर। अब चेक इन शियर के लिए हम पहले निकालेंगे शियर फोर्स, फिर निकालेंगे शियर स्ट्रेस। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एल बाई 2। W का वैल्यू कितना है आपका यहां पर, W का वैल्यू ये है आपका 60872 इंटू L का वैल्यू 6/2 182616 न्यूटन आ गया। अब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू वी अपान में, यानी शियर फोर्स अपान शियर एरिया होता है डी इंटू टी डब्ल्यू। वी का वैल्यू कितना है, 182616 अपान में, डी क्या है, कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, कैपिटल डी का वैल्यू है 450 mm।
ये जो 450 mm है ये टोटल डेप्थ है, इसे डी को आप नहीं लेके चलेंगे, सब कुछ आपका चेंज, इसके पास सब वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। आई एस एच बी के लिए डी कितना है 450 mm, ये आप स्टील टेबल से देख लेंगे कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 450 mm दिया गया है आपका। और इसके लिए टी डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया गया, थिकनेस ऑफ वेव कितना दिया गया है, वो भी हम लोग स्टील टेबल में देख लेते हैं। आई एस एच बी 450, इसके लिए आपको दिया गया टी डब्ल्यू का वैल्यू 9.8 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 9.8। अब देखिए ये टाउ, ये शियर स्ट्रेस आपका आ गया, एक्चुअल शियर स्ट्रेस आप कह सकते हैं इसे, और जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है वो कितना है 100, तो ये 100 से कम है ना, तो हम कह सकते हैं 41.40 इज लेस देन 100 न्यूटन पर मीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर, सो बीम इज सेफ सेफ इन शियर, शियर में भी आपका सेफ हो गया। अब हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन निकाल के फिर डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। चेक इन डिफ्लेक्शन और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, देखो यहाँ पे सब फॉर्मूला में सिंपली सपोर्टेड बीम का ही लगा रहा हूँ, चाहे मोमेंट ले लीजिए या शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला ले लीजिए और या डिफ्लेक्शन निकालने का लीजिए, 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपान में ई आई आई एक्स एक्स लेके चलेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो 5/384 डब्ल्यू का वैल्यू कितना है आपका 60, यहाँ पर आपको यूनिट का विशेष ध्यान देना है, सबको मिलीमीटर में ले लीजिए आप, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लेंगे किस में लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे, तो 60872, जब इसको न्यूटन पर मिलीमीटर में बनाएंगे तो नीचे मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 60.872 हो जाएगा, इंटू एल का वैल्यू कितना है 6000 है आपका, पावर 4 अपान में ई, ई का वैल्यू 2 × 10^5 होता है, स्टील के लिए आप याद रखेंगे ई का वैल्यू कितना होता है 2 × 10^5 इंटू आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स का वैल्यू हम कहाँ से ले लेंगे, स्टील टेबल से ले लेंगे, तो आई एक्स एक्स का वैल्यू स्टील टेबल से दिया गया है 39210.8 इंटू 10^4, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम स्टील टेबल आई एक्स एक्स का वैल्यू है 39210.8 × 10^4 mm की पावर 4, इसे आप या कहीं भी लिख लेंगे, आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ वैल्यू लिख लेंगे उसे, या कहीं भी लिख सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है देखिए, 5 × 60.872 × 6000^4 डिवाइड बाई 384 × 2 × 10^5 × 39210.8 × 10^4 आपका आ गया ये 13.09। अब देखिए ये डिफ्लेक्शन आपका 18.46 से क्या है, कम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन में बीम सेफ है, तो बीम इज सेफ, 13.09 इज लेस देन 18.46, सो वी कैन से बीम इज सेफ
इन डिफ्लेक्शन। इस प्रकार आपका बीम का ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हर बीम के डिज़ाइन में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीम का साइज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि बीम का बेंडिंग में चेक कर लेंगे, उसे शियर में चेक करेंगे और डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लेंगे। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। फिर मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, और इसी स्टील बीम में कुछ और भी क्वेश्चन है उसे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।